हेलो कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आभास गुप्ता के एक और नए वीडियो में। आज आपको दिखाना चाहता हूं मैं ये रेन के मौसम में किस तरीके से ऑटोमेटिक वाइपर्स जो हैं ये स्पोर्ट एको स्पोर्ट के काम करते हैं। तो आप देखोगे अभी ध्यान से कि ये वाइपर्स को मैंने कोई भी कंट्रोल यहां से शुरू नहीं कर रखा, ये सारे के सारे कंट्रोल्स अपने आप देखता है, हैंडल करता है। मैं जानता हूं बहुत ही ऐसा मतलब आम सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको बहुत लोग देखना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। अभी देख सकते हो आप, जैसे वाटर के ड्रॉपलेट्स बहुत कम गिर रहे हैं बारिश के विंडस्क्रीन पर, तो ये बहुत आराम से चल रहा है इस समय। और देखिए आप खुद ही रुक गया, ये मैंने नहीं रोका इसको इस तरीके से। अब जैसे जैसे रेन के ड्रॉपलेट्स गिरते रहेंगे ये अपने आप उसी तरीके से चलता रहता है। अभी यहाँ पे अपने आप स्टॉप हो गया, मैंने इसका कुछ भी नहीं यहाँ से किया। ड्रॉप्स बहुत सारी कम गिर रही हैं, आप देख सकते हो। जैसे जैसे ड्रॉप्स की गिरने की इंटेंसिटी तेज तेज होगी, ज़्यादा ज़्यादा गिरेगी, ज़्यादा ज़्यादा स्पीड से गिरेगी, वैसे वैसे ये अपनी स्पीड को, तीन स्पीड्स के मोड होते हैं, वो अपने हिसाब से उसको करता रहेगा। अब जैसे जैसे ये धीमी धीमी ड्रॉप्स ही ज़्यादा हो जाएंगी तो एक बार वाइप देगा इस तरीके से, और जैसे ज़्यादा ज़्यादा तेज तेज थोड़ा सा गिरने शुरू होगी तो थोड़ा सा कंटिन्यूस लेकिन धीमे स्पीड में ये चलता रहेगा। और जब मूसलाधार बिल्कुल जैसे बारिश होती ना, बिल्कुल रुक ही नहीं रहा, आपको विंड स्क्रीन पे एक सेकंड के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा, उस टाइम पे ये बिल्कुल कंटिन्यूस चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ऑटोमेटिक वाइपर्स का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको ज़्यादा कुछ, या फिर अगर आप नए भी हो चलाने वाले, आपको शुरुआत में वाइपर से कंट्रोल आपको समझ में नहीं आते। यहाँ पे दे रखे हैं बहुत सारे, मेरे को अभी भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी आप इससे काफ़ी ज़्यादा सही। आज मैं पहली बार मैंने बारिश में एक कार निकाली भी है, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी इस चीज़ को बिल्कुल दिखाऊं। तो मुझे लगता है मेरी ये जो दी गई इन्फॉर्मेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ चुकी होगी। ऐसा कुछ खास इन सब कुछ था नहीं इसमें समझने को, लेकिन आप देखते रहिए आगे भी, अगर और तेज़ बारिश होती है तो आप देखोगे कि बहुत फास्ट फास्ट भी चलेगा ये। इसके बाद कम कम ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं और एक एक करके इस तरीके साफ कर रहा है, आपके व्यू को बिल्कुल क्लियर करेगा ये, और कोई लैग नहीं मिलेगा आपको इस ऑटोमेटिक सेंसर के अंदर। एको स्पोर्ट में या फिर और भी दूसरी भी जो टोयोटा की गाड़ियां हैं या मारुति की जो गाड़ियां, जो टॉप एंड वेरियंट्स होते हैं, उनमें ये फीचर मिलता ही मिलता है आपको। ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिलेगा और ऑटो आपको इस तरीके से वाइपर्स मिलेंगे ऑटोमेटिक, बट बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में सच में नहीं आती, क्योंकि गाड़ी खरीदते टाइम तो आप ये चीज़ चेक ही नहीं कर सकते आप इस चीज़ को बिल्कुल भी। ऐसे ही ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का है, वो भी आप ऐसे तुरंत नहीं चेक कर सकते, आपको भी उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक तरीके से, तब जाकर आप समझ पाओगे कि हाँ ये फीचर वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से तो आपको टॉप एंड वेरियंट आप कोई भी गाड़ी का लेते हो तो आपको इसमें ये चीज़ें मिलती ही मिलती है। और बस इस वीडियो में इतना ही था, बाकी अगर आपको मेरे द्वारा दी गई किसी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस और छोटे छोटे ऐसे फीचर्स पे वीडियोस बिल्कुल बनाता रहूँगा, जो भी मैं देखूँगा कि यूज़फुल है। सो थैंक यू गाइस, हरे कृष्णा।